बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लोकसभा जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को पटना में बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान उन्होंने बिहार की प्रदेश इकाई के साथ सभी जिला कमेटियां भंग करने का ऐलान किया है। संसदीय बोर्ड की इस बैठक में बिहार प्रदेश के सभी उपाध्यक्ष, सांसद, पूर्व विधायक और लोजपा के सभी प्रवक्ता मौजूद थे। यही नहीं, लोजपा की संसदीय बोर्ड की इस बैठक में यह फैसला भी हुआ है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए अगले 2 महीने में फिर से सभी कमेटियों को गठन किया जाएगा। आपको बता दें, पार्टी ने साफ कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को अगले विधानसभा चुनाव की अभी से तैयारी करनी होगी। हालांकि चिराग ने अपनी पिछली कमेटी में युवाओं और अनुभवी नेताओं का सही गठजोड़ रखा था, जबकि नई कमेटी में क्या रहने वाला है यह तो वक्त ही बताएगा। वैसे सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू को डैमेज करने के इरादे से चुनावी मैदान में चिराग पासवान की अगुवाई में उतरी लोजपा ने इस बार महज 1 सीट पर ही सफलता पाई है। लोजपा के गठन के बाद से अब तक की उसकी सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। लोजपा के 135 उम्मीदवार मैदान में थे और उसने सिर्फ 1 सीट जीती है।